हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फाइनली आ चुका हूँ तुम्हारे लिए एक और मिथ बस्टर वाली वीडियो लेके। एंड यार, कमेंट्स में तो तुमने एक से एक मिथ बताई थी मुझे, तो उनमें से पांच तगड़ी मिथ्स को आज मैं इस वीडियो में ट्राई करने वाला हूँ। भाई अब वेट किस चीज का है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो चलते हैं तुम्हारी मिथ्स को देखते हैं भाई कैसी कैसी मिथ्स है तुम्हारी। पहली मिथ है ट्रेन के ऊपर डॉग राइडिंग कर सकते हैं, प्लीज टेक माई मिथ। ओके ब्रो, ले लिया तुम्हारी मिथ को और चलो चलते हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे आते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं भाई कैसे हमारी डॉग जो है वो ट्रेन के ऊपर राइड करेगी। और भाई हम तो नहीं कर पाते यार, तो चलो ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं भाई कैसे हम अपने डॉग को ट्रेन के ऊपर चला सकते हैं। चलो फिर चलते हैं एंड देखते हैं। देखो अगर हम डायरेक्ट जाएंगे ट्रेन के ऊपर तो हम मर जाएंगे, लेकिन अगर हम ऊपर चढ़ेंगे इस तरीके से एंड ऊपर चढ़ के डॉग को स्पॉन करेंगे एंड फिर ट्रेन के ऊपर आएंगे तो शायद हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैसे तो डॉग को स्पॉन करने से पहले ही हमारा कैरेक्टर मर जाएगा। इसीलिए मैंने अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगाया और सोचा कि ना ऐसे किया जाए। तो चलो फिर मैंने यहाँ पे अपने डॉग को स्पॉन कर लिया है एंड चलते हैं, पोजीशन लेते हैं और चलते हैं ट्रेन के ऊपर एंड देखते हैं भाई की जो मिथ है वो कंफर्म होती है या फिर बस्ट होती है, कैसी इनकी मिथ है। चलो ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता फेक हो एंड क्या पता सही में ऐसा होता हो। चलो फाइनली मैंने यहाँ पे अपने डॉग को लेकर ट्रेन के ऊपर कूद गया हूँ एंड भाई मेरे डॉग को तो कुछ हुआ ही नहीं यार। भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार, जब एक इंसान को बिजली लग रही है तो डॉग को भी लगनी चाहिए ना, थोड़ा सा अजीब हो गया बट हाँ बढ़िया तो है। तो जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं यहाँ ट्रेन के ऊपर मस्त अपनी डॉग को राइड कर पा रहा हूँ एंड ये डॉग को राइड करने वाली जो चीज है ना भाई बहुत मजेदार है। चलो देखते हैं अगर मैं ट्रेन से उतरूंगा तो क्या होगा। यहाँ पे अभी तक तो कुछ नहीं हुआ बट ये देखो अचानक इसको झटके लगने लगे एंड ये यहाँ पे जाके नीचे गिर गया। तो नेक्स्ट भाई ने यहाँ पे कॉमेंट किया है कि न्यू हाउस एंड ओल्ड हाउस की छत पे डायनासोर स्पॉन नहीं होते हैं, तो चलो भाई ट्राई करके देख लेते हैं। एंड पहले मैं जाने वाला हूँ अपने इस वाले हाउस के ऊपर एंड इसके बाद चलेंगे ओल्ड वाले हाउस के ऊपर वाली छत पे एंड फिर देखेंगे भाई ये क्या ये मिथ सही है या फिर रॉन्ग है। अब हम डायरेक्ट तो ऊपर जाने सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे जेट पैक को स्पॉन करते हैं एंड जेट पैक की हेल्प से हम ऊपर जाने वाले हैं एंड फिर डायनासोर को स्पॉन करके देखेंगे कि स्पॉन होता भी है या फिर नहीं। तो चलो फाइनली मैं यहाँ पे अपने जेट पैक की हेल्प से ऊपर वाली छत पे आ चुका हूँ एंड अब बारी है डायनासोर को स्पॉन करने की। तो यहाँ पे हम पहला चीट कोड डालते हैं 51 डायल हो गया, यहाँ पे 51 डायल करना है हमको। तो ये आ गया हमारा डायनासोर और भाई पता नहीं कहाँ गायब भी हो गया। भाई ये क्या था, मतलब आते ही गायब। चलो दूसरा मंगाया वो भी गायब यार, चलो तीसरा मांगे देखते हैं क्या पता ये रुक जाए, ये भी गायब। वाओ भाई बहुत बढ़िया है। खैर चलो कोई बात नहीं, कम से कम हमारा छोटू डायनासोर तो वफादार है। वैसे ये थोड़ा अजीब था, मतलब ये डायनासोर छत के ऊपर नहीं स्पॉन हो रहे। हाँ हो सकता है छत टूट जाए हमारी, इसीलिए शायद ये छत पे स्पॉन नहीं हो रहा था। एंड यहाँ पे भाई ने ये भी बोला था कि ओल्ड हाउस पे भी ऐसा ही सेम चीज होता है, वहाँ पे डायनासोर स्पॉन नहीं होते हैं। चलो वहाँ पे भी चल के देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने ओल्ड हाउस के पास एंड अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या होता है। तो चलो यहाँ पे लगा लेते हैं चीट कोड। सबसे पहले चीट कोड लगाऊंगा मैं यहाँ पे 51 एंड यहाँ पे डायल कर लेते हैं 51 को। और यहाँ देखो सेम चीज, वही जो वहाँ हुई थी वही चीज सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, यानी कि भाई की जो मिथ है ना वो होती है कन्फर्म। भाई ये पता नहीं कहाँ घर के अंदर घुसे हुए जा रहा है यार, ये क्या अजीब हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अजीब हो गया। नेक्स्ट है मून ग्रेविटी ऑन करो एंड हॉर्स को स्पॉन करो, देन मैजिक होगा। ओके चलो ट्राई करके देखते हैं भाई कौन सा मैजिक होने वाला है यहाँ पे। तो ये मैं आ गया हूँ बाहर एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं लगाने वाला हूँ मून ग्रेविटी का चीट कोड एंड इसके बाद हम स्पॉन करने वाले हैं हॉर्स को। तो चलो फाइनली यहाँ पे मून ग्रेविटी का चीट कोड तो लग चुका है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, अब हमें सिर्फ हॉर्स को यहाँ पे स्पॉन करना है और वो भी हो चुका है। एंड चलो अब बैठते हैं हॉर्स के ऊपर एंड देखते हैं भाई कौन सा मैजिक यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, कौन सा मैजिक होगा यहाँ पे। तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि अभी तक यहाँ पे कोई भी मैजिक नहीं हुआ है, बट एक बार चला कर देखते हैं। एंड ये क्या यार, ये तो भाई उड़ने लगा यार हमारा हॉर्स, ये तो फ्लाइंग हॉर्स बन गया यार। ये मेरे को बहुत मस्त मिथ लगी भाई, क्या ही मिथ दी है यार तुम, हमारा डॉग उड़ने लगा था सॉरी वो डॉग नहीं हॉर्स है। एंड भाई जब हम उड़ना स्टार्ट किए थे ना, तो भाई वो वाला जो सीन था वो गजब का था, मेरे को काफी पसंद आया जब हमारी हॉर्स जो है वो फ्लाई कर रही थी, ये वाली मिथ काफी मजेदार थी, इसीलिए भाई की मिथ होती है यहाँ पे कन्फर्म। एंड नेक्स्ट जो मिथ है ना वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि भाई अगर हम बोट को स्पॉन करते हैं एंड बोट को स्पॉन करने के बाद जब हम उसका कलर चेंज करेंगे तो भाई कोई भी कलर चेंज कर लो उसकी जो ये देखो बीच वाली ब्लू पट्टी है ना वो ब्लू ही रहेगी। अब ये वाली मिथ कितनी सही है ये तो हमें इसको करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये मैंने ओपन कर लिया अपने फोन को एंड अब करते हैं इस बोट का कलर चेंज एंड फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर किया बट ब्लू वाली स्ट्रिप ब्लू ही है, ग्रीन में भी ब्लू है और ब्लू में भी ब्लू है, भाई ये वाली मिथ यानी कि होती है कंफर्म। अच्छा आपको इस बोट के अंदर कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगा, ये सारे हरे पीले लाल नीले या फिर इसके बाद जो आरजीबी करूंगा मैं वो कौन सी पसंद आएगी, तो मैं ये बता देना मेरे को। एंड तुम देख सकते हो आरजीबी करने के बाद भी हमारे बोट की जो ब्लू वाली स्ट्रिप है वो अभी भी बिल्कुल ब्लू है। तो भाई ने जो मिथ बताई थी वो बिल्कुल सही थी, तो इसीलिए इनकी मिथ जो होती है वो होती है कंफर्म। 888 चीट कोड वाली बाइक में पीछे इंडिया लिखा हुआ है। ओके ट्राई करके देखते हैं भाई हमारी बाइक्स के ऊपर इंडिया लिखा हुआ यार, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं भाई, ये तो देखने लायक चीज है। तो भाई ने चीट कोड बताया था कि हमें 4x4 को डायल करना है एंड फिर देखना है क्या होता है। तो ये वाली बाइक आ चुकी है, सॉरी 4x8 को डायल करना है और इस बाइक के आगे पीछे तो कुछ है ही नहीं भाई। और रही बात इंडिया की, तो भाई यहाँ पे फ्लैग भी नहीं है, 9 नाम लिखा हुआ है, पता नहीं कहां से तुम बता दिए बट अगर है तो अच्छी बात है। लेकिन भाई मैंने तो काफी देर तक ट्राई किया, काफी ढूंढा डांडी की कहीं मुझे इंडिया दिख जाए बट ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। आई होप ये वाली वीडियो काफी मजेदार थी और तुम्हें काफी पसंद भी आई होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।